लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी से गाइड। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डब्लिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a great thing it is to come and share God's word again once again with you. ये तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि एक बार फिर से आकर हम परमेश्वर के वचन को आपको बता सकते हैं। It is so exciting to read God's word. परमेश्वर का वचन पढ़ना ये बहुत ही उत्साह देने वाली बात है। Because from when we read God's word, we find that we learn things which give us life. क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम ऐसी बातों को पाते हैं जो हमें जीवन देता है। Now in the last episode, अब पिछले एपिसोड में, we talked about the fall of man and the story of two gardens. हमने मनुष्य के पतन और दो वाटिका या दो बाग के बारे में चर्चा की है। We spent some time looking at what Eve had done. और हमने कुछ समय बिताकर ये देखा कि हव्वा ने क्या किया था, which actually led her to get into that form of temptation. जिसके कारण वो इस तरह की परीक्षा में पड़ चुकी थी। Today we're going to continue on those thoughts. और आज हम इसी विचार में आगे देखते जाएंगे। We're going to look at these two gardens. हम इन दो वाटिका को देखते जाएंगे। You know, gardens are beautiful places. आप जानते हैं वाटिका तो बहुत ही सुंदर जगह होती है। So when we think of a garden, we think pleasant thoughts. और जब भी हम वाटिका के बारे में सोचते हैं तो हम अच्छे विचारों के बारे में सोचते हैं। Not many of us have had a privilege of having a garden these days. और इन दिनों में हम सभी लोगों के पास में ये सौभाग्य नहीं कि हमारे पास में अपना गार्डन हो। Land has become very scarce. जमीन जो है वो तो बहुत ही महंगी हो गई है। And many of us have to live in apartments. और हम में से बहुत से लोगों को अपार्टमेंट में या फ्लैट में रहना पड़ता है। But the beauty of having a garden, लेकिन एक अच्छे बाग होने की सुंदरता ये है, was that you saw life bloom before your very eyes. कि आप अपनी आँखों के सामने जीवन को वहाँ पर फलता हुआ देखते हैं। Now when you look at the Bible, अगर आप बाइबल में देखें, the Bible is a story of two gardens. बाइबल दो वाटिका की कहानी है। The Garden of Eden. एक है अदन की वाटिका and the garden of Gethsemane. और गतसमनी की वाटिका। Now in the first, और सबसे पहले, that is in the garden of Eden, यानी अदन की वाटिका में, Adam took a fall. आदम यहाँ पर गिर गया था। Now in the second, और दूसरी वाटिका में, that is in the garden of Gethsemane, यानी गतसमनी के बाग में, Jesus took a stand. यीशु वहाँ पर डट कर खड़े रहा। In the first, और पहले वाटिका में, that is in Eden, यानी अदन में, God sought Adam. परमेश्वर जो है वो तो आदम को ढूंढते हुए आया। And in the second, और दूसरी वाटिका में, Jesus sought God. यीशु परमेश्वर को ढूंढ रहा था। In Eden, और अदन में, Adam hid from God. आदम परमेश्वर से छिप गया। But in Gethsemane, लेकिन गतसमनी में, Jesus surrendered himself to the Father. यीशु मसीह ने खुद को पिता परमेश्वर को समर्पित कर दिया। In Eden, और अदन में, Satan led Adam to a tree. शैतान आदम को एक पेड़ की ओर लेकर आया। That led to his death. जिसके कारण उसे मृत्यु आई। But in the Garden of Gethsemane, लेकिन गतसमनी के बाग में, Jesus went to a tree. यीशु उस लकड़ी के काठ पर चढ़ाया गया। That led to our life. जिसके कारण हमें जीवन मिला है। How different was the life of these two individuals? ये दो अलग-अलग व्यक्ति का जीवन कितना अलग था? Now the passage in Genesis chapter 3 and verse 1 to 7. और यहाँ पर उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1 से लेके वचन 7 तक जो वचन का भाग है। It is a very familiar passage to each one of us. हम में से हर एक व्यक्ति इस वचन को बहुत ही अच्छे से समझता है। It talks about the fall of man. ये तो मनुष्य के पतन के बारे में बताता है। Now just let us look at this passage very carefully. आइए बड़ी सावधानी से हम इन वचनों को देखते हैं। Let us look at Genesis chapter 3 verses 1 to 5. आइए उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1 से 5 तक पढ़ते हैं।
यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। So shall we just go on to look at what this passage says? तो आइए हम देखते हैं कि ये वचन का भाग क्या कहता है। First we look at the scene. सबसे पहले हमने इस चित्र को देखा है। The scene is of the garden. और ये चित्र तो अदन की वाटिका का है। The one that God had created by His word. ये तो ऐसा है जिसे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया था। A garden where God Himself had planted. ये तो ऐसी वाटिका थी जिसे स्वयं परमेश्वर ने बनाई थी। It's a garden called Eden. और ये तो अदन की वाटिका थी। Watered by the four rivers. और जिसे चार नदियों का पानी सींचता था। Pishon, Gihon, Tigris and Euphrates. Pishon, Gihon, Tigris और Euphrates. It's a garden where gold paved the banks of the rivers. और ये तो ऐसी वाटिका थी जहाँ पर नदी के किनारे सोना ऐसे बढ़ते जाता था। Where every kind of tree, जहाँ पर हर तरह का पेड़, that was pleasing to the eye, जो कि आँखों में मनभाऊ था, and desirous for food, और जो खाने के योग्य था, was planted, वो वहाँ पर बोया गया था। So much like the description of heaven. ये तो बिल्कुल स्वर्ग के विवरण के जैसा ही है। This is the garden that God had for Adam and Eve. और यही तो वो वाटिका है जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए रखी थी। Let's just look at the personalities in this passage. आइए इस वचन के भाग में जो व्यक्तित्व है उसे हम देखते हैं। We have Eve here. यहाँ पर हव्वा है, who was created from Adam, जो कि आदम से बनाई गई है, by God, परमेश्वर के द्वारा, and then we have Adam, फिर यहाँ पर आदम है, who was created by God, जिसे परमेश्वर ने बनाया है, and then we have the serpent, और फिर यहाँ पर हम सर्प को देखते हैं, also created by God, इसे भी परमेश्वर ने बनाया है, but more crafty than any beast of the field, लेकिन इस पृथ्वी पर के जितने भी जीव जंतु थे उसमें वो सबसे ज्यादा धूर्त था, which God had made, जिसे परमेश्वर ने बनाया उनमें सबसे ज्यादा धूर्त था। Let's look at what actually happened. तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर सच में क्या हुआ। We're going to look at the events that happened in this passage. हम इस वचन के भाग में जो घटनाएं हुई है उसे देखेंगे। That actually led to the fall of man. जिसके कारण मनुष्य का पतन हुआ। And from this we're going to learn. और इससे हम सीखेंगे हाउ नॉट टू फॉल इनटू टेम्पटेशन, कि हम परीक्षा में कैसे न पड़े। फर्स्टली वी सी दैट ईव वाज वांडरिंग, सबसे पहले हमने देखा कि हव्वा यहाँ वहाँ भटक रही थी। सेकेंडली वी सी दैट हर वीकनेस मेड हर वल्नरेबल, और दूसरी बात हमने देखी कि उसकी कमजोरी के कारण वो यहाँ वहाँ भटक रही थी। थर्डली वी सी दैट शी वाज अनविटिंगली ड्रॉन इनटू द डेविल्स एरिना, तीसरी बात हमने देखी कि उसने अनजाने में वहाँ पर शैतान के क्षेत्र में अपने पैर रख दिए थे। Fourthly, we see that deception is a major technique of the evil one. और चौथी बात हमने देखी कि जो दुष्ट है शैतान उसकी सबसे बड़ी तकनीक तो केवल धोखा देना है। Fifthly, we see. और पांचवी बात जो हमने देखी that we should not tread on areas which are forbidden by God. जिन क्षेत्रों को परमेश्वर ने मना किया है उन क्षेत्रों में हमें कभी नहीं जाना चाहिए। And sixthly, we see. और छठी बात जो हमने देखी है rationalizing our sin. और वो है कि हम अपने पापों को मानो सही दिखाते हैं, हम कहते हैं कि ये सही किया है। We have already discussed the first two points last week. पिछले हफ्ते हमने पहले दो पॉइंट्स के बारे में अच्छे से देखा है। How are we unwittingly drawn into the devil's arena? कैसे हम बिल्कुल ऐसे अनजाने में या न चाहते हुए भी शैतान के क्षेत्र में चले जाते हैं। This is very important for us to know. ये जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। As we live in this world, जैसे हम इस संसार में जीते हैं, we are going to be surrounded by things that will draw us away from God. हाँ, ये सारी बातें हमें घेर लेती हैं और हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती हैं। Let's actually look at what happened to Eve. आइए हम देखते हैं कि सच में हव्वा के साथ में क्या हुआ। The Satan said to Eve. शैतान ने हव्वा से कहा। Did God actually say? क्या परमेश्वर ने सच में कहा है? You shall not eat of any tree in the garden. कि तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल न खाना? Oh no, why did Satan say that? यहाँ पर शैतान ने ऐसा क्यों कहा? Did he not know what God had actually said? क्या वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर ने सच में क्या कहा है? But he twists God's word.
लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को मरोड़ दिया टू कंफ्यूज ईव कि हवा को गड़बड़ी में लेकर आए. डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्यारे भाइयों और बहनों, प्लीज बी केयरफुल, आप सावधान रहिए. दिस कैन हैपन टू अस आल्सो, ये हमारे साथ भी हो सकता है. मेक श्योर ऑफ व्हाट गॉड्स वर्ड एक्चुअली सेज, परमेश्वर का वचन सच में क्या कहता है, इस बात को आप निश्चित जान लें. दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू कंटिन्यूअली रीड द वर्ड ऑफ गॉड, और इसीलिए निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. इट इज नॉट रेयर टू meet someone, और ये तो इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि बस किसी को बताते चले जाए या किसी की जरूरत पूरी करें, who can confuse us of what we should do, जो हमें गड़बड़ी में लेकर आए कि हमें क्या करना चाहिए हम खुद न जाने. In a given situation, किसी भी परिस्थिति में ऐसे गड़बड़ी न लेकर आए. Sometimes the confusion can come from within us. कई बार ये जो गड़बड़ी है ये तो हमारे भीतर से आ सकती है. That is why we should be very clear. और इसीलिए हमें बहुत ही स्पष्ट रहना होगा. What does God say we should do? कि परमेश्वर क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए. So when we read on, और इसलिए जब हम इसे पढ़ते हैं, and the woman said to the serpent, और फिर यहाँ पर स्त्री ने सर्प से कहा, we may eat of the fruit of the tree in the garden, कि हम वाटिका के पेड़ जो है उसके फल खा सकते हैं. But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि तुम उसको न खाना, neither shall you touch it, और न उसको छूना, lest you die, नहीं तो मर जाओगे. This is what Eve had to say, और हव्वा ने यही तो कहा. But let us look at what God actually said, लेकिन चलिए देखते हैं कि सच में परमेश्वर ने क्या कहा था. In the book of Genesis chapter 2 and verse 16, और उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 16 में इसके बारे में बताया है. The Lord God commanded man saying, परमेश्वर ने मनुष्य को आदम को यह आज्ञा दी, यू मे श्योरली ईट ऑफ एवरी ट्री ऑफ द गार्डन, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है. बट ऑफ द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड ईविल, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, यू शैल नॉट ईट, उसका फल तू कभी न खाना. फॉर इन दैट डे, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, दैट यू ईट, जिस दिन उसका फल खाएगा, यू शैल श्योरली डाई, उसी दिन अवश्य मर जाएगा. गॉड वॉज वेरी क्लियर इन व्हाट ही सेड, परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा था उसमें वो बहुत ही स्पष्ट था. But this is how Satan begins to engage Eve in a conversation. लेकिन देखिए शैतान यहाँ पर हव्वा को इस तरह से बातचीत में लेकर आता है. By twisting God's word, परमेश्वर के वचन को मरोड़ने के द्वारा, and laying a bait, और वो उसके सामने मानो एक बंसी डालता है, एक गल डालता है. So Eve jumps in, और मानो वो उसके अंदर हवा कूद पड़ती है, to correct him, कि वो उसे सीधा कर, उसे सुधारे. Now Satan could have said to Eve, अब शैतान हवा से ये कह सकता था, come and eat this fruit, कि तुम आकर इस फल को खा लो. God has created it for you, परमेश्वर ने इसे तुम्हारे लिए ही बनाया है. Then Eve would have seen through this, तो फिर हवा इस बात को देख लेती, and she would have called him a liar, और वो उसे झूठा कहती. But he did not do that, लेकिन शैतान ने ऐसा नहीं किया. He drew her mind to dwell with him a while, उसने उसके मन को अपने साथ में कुछ समय तक बनाए रखने के लिए बातचीत की. We need to watch out, हमें सावधान रहना है. Never have conversation with the devil, कभी भी शैतान से बातचीत नहीं करनी है. Now the next thing that we learn from this, और इससे अगली बात जो हम सीखते हैं वो ये है, is that deception is his major technique, कि धोखा देना ये तो उसकी सबसे बड़ी तकनीक है. Now, अब, the serpent said to the woman, अब इस सर्प ने स्त्री से कहा, you shall not surely die, कि तुम तो निश्चय ही नहीं मरोगे. For God knows, क्योंकि परमेश्वर जानता है, when you eat of it, कि जब तुम इसमें से खाओगे, your eyes will be opened, तो तुम्हारी आँखें खुल जाएगी, and you will be like God, और तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, knowing good and evil, और तुम भले और बुरे को जानोगे. Now what is Satan doing? यहाँ पर शैतान क्या कर रहा है? He is attacking the very character of God. वो तो परमेश्वर के चरित्र के ऊपर हमला कर रहा है. He is calling God a deceiver. वो तो परमेश्वर को धोखा देने वाला कह रहा है. He tells Eve, वो हव्वा से कहता है, maybe God told you, शायद परमेश्वर ने तुमसे कहा है, that you will die, कि तुम मर जाओगे, but you will not die, लेकिन तुम नहीं मरोगे. What happens? देखिए क्या होता है. What happens if doubt is sown into our hearts? अगर हमारे दिल में संदेह बोया जाता है तो क्या होता है? About the one whom we trust, जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं उसके विरुद्ध में संदेह डाला जाता है. And love, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके विरुद्ध में. And unconditionally, और वो भी बिना शर्त से. We know that Adam and Eve loved God unconditionally. हम जानते हैं आदम और हव्वा ने बिना शर्त से परमेश्वर से प्रेम रखा था. Is anyone trying to ruin a family? क्या कोई परिवार को नाश करने की कोशिश कर रहा है? A relationship, या फिर किसी संबंध को? By sowing doubt in the heart of the other person, दूसरे व्यक्ति के दिल में संदेह बोने के द्वारा? Is the father being turned
turned against his own son? क्या पिता अपने ही बेटे के विरुद्ध में हो गया है? Or a wife being turned against her own husband? या फिर पत्नी अपने ही पति के विरुद्ध में हो गई? Because somebody is sowing doubt in the heart of the other person? क्योंकि कोई उस दूसरे व्यक्ति के दिल में बीज बोते जा रहा है, संदेह बो रहा है। Watch out. आप सावधान रहिए। God forbid if you are that person. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर इस बात को न होने दें। Do not do this wicked thing. और आप इस दुष्ट काम को न करें। Of sowing doubt to break families. कि परिवार को तोड़ने के लिए आप संदेह बोते चले जाएं। Ironically, देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप में, while Satan is trying to cast aspersion on God's character, जबकि यहाँ पर शैतान परमेश्वर के चरित्र के ऊपर में सवाल उठा रहा था, it is he who is the father of lies. और जबकि देखा जाए तो शैतान ही है जो कि झूठ का पिता है, and he is the master of deception. और वही तो धोखा देने में बहुत ही माहिर हैं. And if we are beguiled into his territory, और अगर हम उसके क्षेत्र में ऐसे चले जाते हैं, we will succumb to his lies. तो हम उसके झूठ में फंसते चले जाएंगे, and to his false reasoning. और उसके झूठे कारणों को ऐसे उसमें फंसते जाएंगे, we will get blinded into thinking. और हम इस तरह की सोच में अंधे होते जाएंगे, maybe the devil is right. कि शायद हो सकता है कि शैतान सही हो, and we cannot tell him. और हम उससे ये नहीं कह सकते हैं, Lord, after all, it is only a fruit. कि प्रभु कुछ भी हो, ये तो केवल एक फल है. Why can't I eat it? मैं इसे क्यों नहीं खा सकता हूँ? But now Eve was wrapped with attention. लेकिन यहाँ पर हवा का पूरा ध्यान उसकी ओर चला गया. She had to hear the rest of what the serpent was about to say. और सर्प अभी जो कुछ भी कहने वाला है, उस सारी बातों को वो सुनना चाहती थी. Fifthly, पांचवी बात, treading on areas which are forbidden by God. परमेश्वर ने जिन क्षेत्रों के बारे में मना किया है, उस क्षेत्र में नहीं जाना है. The serpent goes on. और शैतान आगे कहता है, For God knows. क्योंकि परमेश्वर जानता है, Then when you eat of it, कि जब तुम इस फल को खाओगे, your eyes will be opened. कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, and you will be like God. और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, knowing good and evil. और तुम भले और बुरे को जानोगे. What is the serpent saying here? यहाँ पर सर्प क्या कह रहा है? God had breathed his spirit into Adam and Eve. परमेश्वर ने तो आदम और हवा में अपनी श्वास फूंकी थी. So until now, कि यानी अब तक, they lived in his presence. वो तो उसके उपस्थिति में जी रहे थे. It was the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा था. They lived in his holiness. वो तो उसकी पवित्रता में जी रहे थे. They found no need. और उन्होंने कोई जरूरत नहीं to देखी go against God's wishes. कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाएं. Why? क्यों? Because their every need was met. क्योंकि उनकी हर एक जरूरत पूरी हो रही थी. Because their every need, क्योंकि उनकी हर एक जरूरत, was in obedience to God's provision and plan. परमेश्वर के प्रयोजन और परमेश्वर की योजना के आज्ञाकारिता में ही थी. So they did not need anything else. और इसलिए उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी. God had wanted his people to enjoy the bliss of innocence. परमेश्वर यही चाहता है कि उसके जो लोग हैं, वो तो मासूमियत को पूरी तरह से आनंद उठाते चले जाएं. But when Satan tempted man, लेकिन जब शैतान ने मनुष्य की परीक्षा की, and man fell, और मनुष्य गिर गया, what happened? तो फिर क्या हुआ? His innocence was destroyed. और उसकी जो मासूमियत थी, वो तो नाश हो गई. Man chose a life of responsibility. और मनुष्य ने जो है गैर जिम्मेदारी के जीवन को चुन लिया. Responsibility to make a choice. और उसने इस तरह की जिम्मेदारी को ले लिया कि वो चुनाव करे. That would lead to life or to death. जो कि एक तो जीवन की ओर लेकर जाएगा या फिर मृत्यु की ओर लेकर जाएगा. A stand that would make him responsible. और ये तो ऐसे डटकर खड़े रहना था जिसके कारण वो जिम्मेदार होता था. For his fate. अपने खुद के भविष्य के लिए, either to live in glory, एक तो महिमा में जीने के लिए, or die in condemnation, या फिर हीन भावना या फिर दंडाज्ञा में मर जाना. And by making that choice, और ऐसा चुनाव करने के द्वारा, the choice of misguided knowledge, ये जो ज्ञान जिसके लिए उसे भरमाया गया था, उसका चुनाव करने के कारण, over innocence, और उसकी मासूमियत नाश की गई, trust and obedience, और यहाँ तक कि भरोसा और आज्ञाकारिता, he had already condemned himself, उन बातों को न माना तो उसने खुद के ऊपर दोष ला. What a terrible thing. ये कितनी भयानक बात थी. If only Adam had not listened to Eve. अगर आदम ने हवा की बात नहीं मानी होती. I hope we have all got the picture until now. मैं आशा करती हूँ कि अब तक कि हम इस पूरे चित्र को समझ चुके हैं. Having thus deceived and confused the woman. और जबकि उसने स्त्री को यहाँ पर, हवा को यहाँ पर धोखा दिया, भरमाया. Satan had won the day. अब शैतान तो मानो उस दिन जीत चुका था. That is why it is very important. और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. For us as women. कि हम स्त्री के होने के
नाते to think about what is God's plan in this situation. इस परिस्थिति में परमेश्वर की योजना क्या है उस बात के बारे में सोचते जाएं. Don't let us go on like this. और बस ऐसे ही बड़बड़ करते न रहें. But let's wait in the presence of God. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में राह देखते रहें. Don't confuse your husbands. अपने पति को गड़बड़ी में न लेकर आएं. Wait in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में आप राह देखते रहें. Find out what he has to say about what your the situation that you are in. आप जिस परिस्थिति में उसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है उसे आप पहले ढूंढ के निकालें. And give godly counsel to your husband. और अपने पति को आप भक्तिपूर्ण सलाह देते जाएं. All he had to do. आप उसे बस यही करना है. All that Satan had to do. और शैतान को बस यही करना था. Was just to stand back and watch the fun. कि बस वहाँ पर पीछे हट कर खड़े हो जाए और ये सारा तमाशा देखे. Next. अगली बार. We are seeing rationalizing our sin. हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अपने पापों को सही ठहराते हैं. What does Eve do now? हवा ने अब क्या किया? She stands in front of the tree. और वो उस पेड़ के सामने खड़ी होती है. And she composes her summary. और वो वहाँ पर अपना पूरा सारांश मानो लिखती चली जाती है. She begins to rationalize her sin. वो अपने पाप को यहाँ पर मानो सही बनाने की कोशिश करती है. Giving herself good reasons why she has chosen to disobey God. और वहाँ पर वो खुद के सामने और वहाँ अच्छे कारण देती है कि क्यों परमेश्वर की आज्ञा भंग करनी चाहिए. Firstly. सबसे पहले. She saw that the tree was good for food. उसने ये देखा कि ये जो पेड़ है ये जो फल है ये तो बहुत ही अच्छा है भोजन के लिए. There were thousands of other trees. और ऐसे तो बहुत से हजारों पेड़ थे. In the garden. उस वाटिका में. And they were all meant for eating from. और वो तो सब खाने के लिए उसके फल बनाए गए थे. But this was not the purpose of this tree. लेकिन इस पेड़ का जो उद्देश्य था वो ये नहीं था. To provide food. कि वो खाने के लिए कुछ फल दे. Why then should she want to look at this tree for food? तो फिर भोजन के लिए खाने के लिए इस पेड़ की ओर वो क्यों देख रही थी? How often do we look at the wrong source for help? कई बार हम मदद के लिए गलत स्रोतों को देखते हैं. You know, there is a, I can tell you an incident. मैं आपको एक घटना बता सकती हूँ. Of a friend of ours. हमारे एक मित्र की. Now this person was working at a business. अब ये जो व्यक्ति है ये तो एक बिजनेस में काम कर रहे थे. And that company suddenly closed down. अचानक वो कंपनी बंद हो गई. And he was in a very difficult situation. और वो तो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में आ गए. So he wanted to start a business of his own. तो वो अपना ही व्यापार शुरू करना चाहते थे. In order to financially survive. कि आर्थिक रीति से जैसे तैसे अपना जीवन जी सके. But he had no capital. लेकिन उनके पास में व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं था. He asked his wife to pawn her jewels. और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने गहने वहाँ पर गिरवी रख दें. But she was not in a mood to do that. लेकिन उनकी पत्नी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी. That there was this lady working in his office. और फिर उनके ऑफिस में एक ऐसी बहन थी जो काम कर रही थी. She was a helper. वो एक सहायक थी. She looked at his stage and somehow they got talking. और उन्होंने उनके स्तर को देखा और जिस जैसे तैसे उनकी बातचीत शुरू हो गई. She volunteered to give whatever she had. To pawn them. और उसने खुद अपनी इच्छा से कहा कि मेरे पास जितने भी गहने हैं आप इन गहनों को गिरवी रख दीजिए. Now with that he started a small kind of a business. और उन पैसों से इसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया. Now this business grew. और फिर ये व्यापार बढ़ता चला गया. But then their relationship grew. लेकिन उनका संबंध भी बढ़ता चला गया. And very soon. और बहुत ही जल्दी. He had to divorce his wife. उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया. He had to leave his daughter. उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ दिया. Now this is such a terrible thing. और ये तो बहुत ही भयानक बात है. Now why did this happen? और ये सब कुछ क्यों हुआ? Because we often look for help at the wrong places. क्योंकि कई बार जो है हम तो गलत जगह से मदद करने की मदद पाने की अपेक्षा करते हैं. What did God say? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? David has said. दाऊद ने कहा है. My help is from the Lord. मेरी सहायता परमेश्वर से आती who है. Who made heaven and earth? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है. So we wait in God's presence. और इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहा देखते God is the ruler of the entire universe. परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर राज्य करने वाला है. If we surrender to him, अगर हम उसे समर्पित होते हैं, he will help us. तो वो हमारी मदद करेगा. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, if you trust God, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, you will never be ashamed. तो आप कभी शर्माएंगे नहीं. Don't go to the wrong person for help. आप मदद के लिए गलत व्यक्ति के पास में मत जाइए. Secondly, we see. दूसरी बात हम देखते हैं. That it was a delight to the eyes. ये देखने में मनभाऊ था. This fruit was a delight.
sweet to the eyes. कि ये जो फल था ये तो देखने में मनभाऊ था. This we see in verse 9 of chapter 2. और अध्याय 2 के वचन 9 में भी हम इस बात को देखते हैं. We see that sin is conceived as a seed in the mind. और देखिए जो पाप है वो तो मन में एक बीज के रूप में धारण होता है. And its attraction can kill you. और उसका आकर्षण आपको मार सकता है. When you see it and it delights your eyes. और जब आप उसे देखते हैं और वो आपको देखने में बहुत ही मनभाऊ लगता है. You need to have it. तो आपको उसे पाना होगा. Whether it is a new car. चाहे वो नई कार हो. Or a new house. या फिर नया घर हो. The thirdly we see. और तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं. That the tree was desirable to make one wise. और ये जो पेड़ है वो तो किसी को बुद्धि देने के चाहने योग्य भी था. Knowledge is good. देखिए ज्ञान अच्छा है. But not all knowledge is desirable. लेकिन सभी ज्ञान की हम इच्छा नहीं रख सकते हैं. Whenever we want to know more about something. जब हम किसी बात के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं. If we are on the internet. अगर हम इंटरनेट पर हैं. We need to allow God to guide us. हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन वहाँ पर जरूरी है. Is this subject, is this topic according to what God would want me to know? क्या ये विषय है, क्या ये ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में परमेश्वर चाहता है कि मैं इसे जान लूं? How much does God want me to know about what I'm reading? मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ इसके बारे में परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं कितना जान लूं? We need to know that. हमें इसे जानना होगा. We need to know when to back off. हमें समझना होगा कि हमें कब पीछे हटना है. When to go away from a particular situation. और कैसे किसी खास परिस्थिति से हमें पीछे चले जाना है. Finally. और अंत में. Eve rationalizes her sin. और हव्वा जो है वो तो अपने पाप को यहाँ पर सही ठहराती है. Do we rationalize ours? क्या हम अपने पापों को सही ठहराते हैं? Have you heard someone say? क्या आपने किसी को ये कहते हुए सुना है? I can't stand my husband. मैं अपने पति को सह नहीं सकती. My wife is a pain. मेरी पत्नी तो मानो दर्द बन गई है. But there is someone next door who's very good. लेकिन मेरे बगल में, मेरे पड़ोसी में जो है वो तो बहुत ही अच्छे हैं. But that someone next door does not belong to you. लेकिन जो आपके पड़ोसी है वो तो आपके नहीं है. Have you heard someone to saying? क्या आपने किसी को ये कहते हुए सुना है? I need a lot of support. मुझे बहुत सी सहायता चाहिए. I'm going through a very bad time. मैं बहुत ही मुश्किल समय से जा रहा हूँ. I don't find this at home. और मुझे मेरे घर में ये सब कुछ नहीं मिलता. So what is the harm in me in going to someone else? तो फिर किसी और के पास जाने में क्या नुकसान है? We cannot say that. हम ये नहीं कह सकते हैं. What happened that day? और उस दिन क्या हुआ? In the Garden of Eden. अदन की वाटिका में. That one mistake. कि वो एक गलती. Spoiled all the heavenly plans that God had for that couple. परमेश्वर ने उस दंपत्ति के लिए जो भी स्वर्गीय योजना रखी थी, उन सारी योजना को उसने बर्बाद कर दिया. Not just that couple. केवल उसी दंपत्ति के लिए नहीं. But for the cosmos as God had envisioned it. लेकिन परमेश्वर ने जो दर्शन रखा था पूरे संसार के लिए, उसके लिए भी बर्बाद. What we do in our moment of weakness. हम अपनी कमजोरी के समय में क्या करते हैं? Can be a hindrance to our home. क्या हम अपने घर के लिए रुकावट हो जाते हैं? For generations to come. पीढ़ी पीढ़ी के लिए. It might seem like a small thing. ये तो शायद छोटी सी बात दिखाई देती हो. But disobedience is a very serious thing. लेकिन आज्ञा भंग करना तो बहुत ही गंभीर बात है. The seed of a generation curse. और ये तो पीढ़ी का श्राप की जो बीज है. Is very hard to uncover and remove. और ये तो दूर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. Very hard to break. और इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. And can be a source of pain for generations to come. और आने वाली पीढ़ी के लिए कई साल तक दर्द की बात हो सकती है. The only thing that can break it is the blood of Jesus. और उसे केवल यीशु का लहू ही तोड़ सकता है. This was surely the beginning of the end. और ये तो निश्चय ही वो शुरू से अंत को जानता है. But we know that God had a better plan. लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास में बेहतर योजनाएं हैं. Even at that very moment. और यहां तक कि उस पल में. He told them that he is going to send his son to save this world. उसने उनसे कहा कि वो अपने पुत्र को इस संसार को उद्धार देने के लिए भेजेगा. And we know that many thousands of years later that is what happened. और हम जानते हैं हजारों साल बाद यही तो हुआ. That Jesus came. कि यीशु आया. To relieve us from the bondage of the enemy. कि हमें शत्रु के बंधन से छुड़ाए. What a wonderful God. ये कितना अद्भुत परमेश्वर है. We want to praise him today. हम आज उसकी स्तुति करते हैं. Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं. Father God, we just want to thank you so much. पिता परमेश्वर, हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं. That you're a God who has put a wall of fire around us. कि प्रभु तूने हमारे आसपास आग की दीवार बनाकर रखी है. You have put your word in our hearts. प्रभु तूने अपना वचन हमारे दिल में रखा है. You have given us the Bible. तूने हमें बाइबल दी है. So that
that we may read and we may listen to your voice and we may be safe. Ki hum ise padhe, hum teri awaaz ko sune aur hum uddhar pa sake, surakshit rahe. Help us, Lord Jesus. Hamari madad kar, Prabhu Yeshu. Every day of our lives. Hamare jeevan ke har ek din mein. To walk in obedience. Ki hum aagyakarita mein chale. And to do your will. Aur teri ichha ko pura karte jaye. In all circumstances. Sari paristhitiyon mein. So that your kingdom may come on this earth. Ki is prithvi par tera rajya aaye. As it is in heaven. जैसे कि स्वर्ग में है. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen.